नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। बीते दिन एमजीएम अस्पताल में बेटे का इलाज करा रहे राज महतो ने एमजीएम अस्पताल में आत्महत्या के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। परिजन का अनुमान है अस्पताल में बेटे का इलाज नहीं होने के कारण पति ने अस्पताल में आत्महत्या कर लिया। उन्होंने जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। उधर शनिवार एमजीएम अस्पताल में परिजन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। मंत्री ने पीड़ित परिवार को सहयोग राशि देकर आगे भी मदद करने का आश्वासन दिया है। क्या मदद? अच्छा मंत्री है ना, ये पैसा भी दिया इलाज के लिए, बोल दिया हम लोग का इलाज करा दीजिएगा। इसमें क्या इलाज होगा बोलिए तो? 6000 में इलाज होगा? इतना बड़ा काम है, कैसे करेंगे? इलाज के लिए तो बोला ना इलाज करवाएंगे। इलाज बोला है कराएंगे, लेकिन आप लोग बोलिएगा कि इलाज सही से होना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।